आज से रियो ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। 5 अगस्त से 21 अगस्त तक होने वाले रियो डी जेनेरियो के खेलों का इंतजार सबको है। अनुभव, युवा जोश और कई नए खिलाड़ियों से सजे भारतीय ओलंपिक दल को घर पर बैठे करोड़ों लोगों की दुआएं हासिल है और इस दल की भी कोशिश देशवासियों के हिस्से में खुशी डालने की होगी। भारत ने इस बार अपना सबसे बड़ा दल भेजा है और सभी देशवासियों को उम्मीद है कि यह दल इस बार इतिहास रचते हुए पहले से ज्यादा पदक लाएगा। हालांकि भारत का अभी तक का ओलंपिक में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारत के प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक भारत के पदकों की संख्या 2 अंकों तक नहीं पहुंच सकी है। व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड मेडल अभी तक केवल अभिनव बिंद्रा के खाते में ही जुड़ा है, जो उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 के लंदन ओलंपिक में रहा, जब भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 6 मेडल जीते थे। रियो ओलंपिक्स के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं और जूते कस लिए हैं। भारत की ओर से भी 100 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम है जो अलग अलग खेलों में भाग लेने के लिए रियो पहुंच गई है। इन खिलाड़ियों का भारत में काफी उत्साहवर्धन किया जा रहा है। उम्मीद है कि रियो में लंदन से ज्यादा पदकों को लेकर भारतीय खिलाड़ी लौटेंगे। सुनने में आया है कि इस बार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे एक स्टील बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया है। रियो ओलंपिक्स में कुल 42 खेल कराए जाएंगे, जिनमें कुल 205 देश हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से गई टोली से बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग में अच्छे प्रदर्शन और पदक की उम्मीद की जा रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।